हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज आम जानवा विजु पक्काघर योजना विषय में कौन आसी नुआ सूचना जहाँकि विजु पक्काघर योजन के लाभ पाई। विजु पक्काघर योजन कई मानक योग्य हिताधिकारी भाव बेचित कर संपूर्ण तालिका केवे विजु पक्काघर के मिलू। आसतु यही वीडियो माध्यम से संपूर्ण खबरटी को जानवा जानवापी वीडियो को शेष पर्यंत देखु। आम वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु, ता सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु। तबे बंधुगण, आपण माने समस्ते जानिथिबे जे विजु पक्काघर योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना। विजु पक्काघर योजना रही जहाँकि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना हेउछि जहाँकि केन्द्र सरकार अधीन। तेबे जेतेबेले केन्द्र सरकार अधीन प्रधानमंत्री आवास योजना जारी करा जायतिला एवं मिलुथिला सेतेबेले विजु पक्काघर योजना माध्यम रे मध्य राज्य सरकार मध्य घोषणा करथिले पक्काघर जोगाई देबा पाई। तेबे 2022-23 फेज रे मिलिबाकु थिबा प्रधानमंत्री आवास योजना रे पक्काघर एपर्यंत मिलि पारु नाही, कारण राज्य सरकार ओ केन्द्र सरकार कळी भितरे बळी पडिछंती साधारण श्रेणीर लोक माने, कारण स्वच्छता नथिबारु केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना रे पक्का घर आवंटन को बंद रखिछन्ति वर्तमान पई। किंतु ता भितरे आउ गोटे प्रश्न आसुछि जहाकि योग्य हिताधिकारी मन रे रहिछि, जदि प्रधानमंत्री आवास योजना वर्तमान पई मिलि पारु नाही किंतु विजु पक्का घर योजना रे घर काहेकि मिलु नाही एवं विजु पक्का घर योजना नुआ बजेट तयारी होई सारिछि ओडिसा सरकारक तरफरु, तबे वर्तमान पर्यंत कौन पाई विजु पक्का घर योजना अधीन पक्का घर मिली पारू नाही। तबे विजु पक्का घर योजना रो नुआ तालिका मध्ये कौनसी भी वेबसाइट रे उपलब्ध हेउ नाही किंबा तार रहीथिबा ऑफिशियली वेबसाइट रे मध्ये उपलब्ध हे पारू नाही। तबे राज्य सरकारक उपरे केन्द्र सरकार देउथिबा दोष सबु सत नुहे कि जहाद्वारा केन्द्र सरकार देउथिबा प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर सेथिरे राज्य सरकारंकर लोगो लगाई एहाकु विजु पक्का घर बोली घोषणा करूथिले बोली पूर्वरु मध्य केन्द्र अभियोग करी आसुछंती, ता सत हेब कि ता सत बोली मध्य जहाँ अनुमान करा जाउछि। तेणु करी ओडिसा रे विजु पक्का घर एपर्यंत मिली पारु नाही। तबे एही भली विजु पक्का घर योजना अधीन रे लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे पाइबा पई आपण माने आम वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु, ता सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई रखंतु।